दिस इज डॉक्टर विनय सूद। ब्लड प्रेशर पार्ट वन में मैंने बताया था कि ब्लड प्रेशर हाई होने का एक मेन रीजन है नैरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। इस पार्ट टू में पहले 3-4 मिनट में बताऊंगा कि नैरिंग क्यों हुई, उसके बाद 3-4 मिनट में कि कुछ मिथ्स जिनको मैं क्लियर करूंगा, और सब्सिक्वेंटली लास्ट 3-4 मिनट में ये बताऊंगा कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं नैरिंग को कि हमारा बीपी हाई ना हो और हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स ना हो। और शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हाई ब्लड प्रेशर का एक मेजर कारण इज द नैरिंग ऑफ द ब्लड वेसल। ये नैरिंग क्यों हुई? एक हेल्दी ब्लड वेसल्स है जो उसकी इंटरनल लाइनिंग में ये सारे केमिकल्स नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टासाइक्लिन, हेपरिन सल्फेट बनते रहते हैं और इस लाइनिंग को स्मूथ और स्लिपरी रहते हैं। जब भी ब्लड यहाँ से गुजरता है वहाँ स्लिप होता रहता है, वहाँ क्लॉट नहीं होता, वह नहीं है और इसको डैमेज नहीं करता। पर किसी कारण ये लाइनिंग डैमेज हो जाए, इंटरनल लाइनिंग के अंदर फैट पेनिट्रेट कर जाता है और इंटरनल लाइनिंग और स्मूथ मसल्स के बीच में फैट इकट्ठा हो जाता है, इससे हम फैटी स्ट्रीक कहते हैं। फैटी स्ट्रीक इवन 20 साल के लोगों में भी होती है, ये बढ़ भी सकती है, ये स्टेज पे भी जा सकती है, डिमिनिश भी हो जाती है और कई बार विद टाइम ये खत्म भी हो जाती है। इसके आगे अब ये जो फैट इकट्ठा हुआ है इट गेट्स मॉडिफाइड, जब ये मॉडिफाइड हो जाता है इट बिकम सीरियस। मेन प्रॉब्लम तभी शुरू होती है जब वो मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई कैसे होता है? जब ये फैट अल्कोहल, निकोटीन, शुगर, कुछ ड्रग्स, रेडिएशन, पॉल्यूशन के साथ कंबाइन कर जाता है, देन इट गेट मॉडिफाइड। जब वो मॉडिफाइड हो जाता है देन इम्यून सिस्टम बिकम एक्टिव, ब्लड सेल्स वो माइग्रेट करते हैं लाइनिंग के अंदर और इसको स्वेलो करते हैं, स्वेलो करके इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, दे डाई, डेड वाइट सेल्स और डेड मसल्स ये सारा ब्लैक बना देता। इसको मैं आगे अच्छी तरह समझा रहा हूँ ये क्यों होती है। ये ब्लड वेसल है, इसकी ये वॉल है, ल्यूमन है, यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, ये वाइट सेल्स है और ये वॉल है ब्लड वेसल की। अब सबसे पहले हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसी तरह इस वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। जब वो वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है तो जैसे मैंने पीछे बताया था अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, पेस्टिसाइड, पॉल्यूटेंट्स, रेडिएशन, इस सब के साथ वो कंबाइन कर जाता है और वो मॉडिफाई हो जाता है। फैट इज ये येलो में दिखाया और ये मॉडिफाई जब हो जाता है वो ब्राउन में शो किया। और जब ये मॉडिफाई होता है सारी प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं, तब जो इधर से ब्लड सेल्स जा रहे हैं उनको लगता है कि ये बैक्टीरिया है, ये फॉरेन बॉडी है, वो उसको अटैक करते हैं और उसको स्वेलो कर लेते हैं। जब वो स्वेलो कर लेते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते और वाइट सेल्स डाई, द डेड वाइट सेल्स और ये टिश्यूज जब कलेक्ट हो जाता है दैट लीड्स टू नैरोइंग ऑफ द ल्यूमन ऑफ द ब्लड वेसल। यहाँ से ब्लड वेसल का ल्यूमन खोला है या नैरोइंग। अब कुछ मिथ्स उसके बारे में बताता हूँ। एक तो सबसे पहले देखेंगे तो फैट है डिपॉजिटेड इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, ल्यूमन में नहीं है, वॉल में है। सो बेसिकली द नैरोइंग इज ड्यू टू द थिकनिंग of wall of the blood vessel, the wall vessel becomes swollen, swollen हो जाने के कारण फूल जाती है ये wall, इसलिए narrowing है। इसलिए कई लोग गर्म पानी पीते रहते हैं ये सोच के कि fat dissolve हो जाएगा, basically fat wall के अंदर है, और इतना ही नहीं wall के अंदर भी नहीं, fat dead blood cells के अंदर है, और वो गर्म पानी पीने से, आप गर्म पानी पीजिए पर इस impression से ना पीजिए कि वो आपके फैट को डिसॉल्व कर देगा। दूसरा, कई लोग आते हैं वो जब बीपी उनका देखता हूँ वो ज़्यादा होता है तो वो कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने से उन्होंने स्मोक नहीं किया। बेसिकली ये जो चेंज आए, ये जो वॉल स्वोलन हो गई, फूल गई ये वॉल, ये पिछले 10-20-30 साल में, वो एक दिन में नहीं हुई या 3 महीने में नहीं हुई। दूसरा, वॉल जो स्वोलन है इसमें फैट नहीं, ये मॉडिफाइड फैट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए सिगरेट स्मोकिंग, एल्कोहल, प्रिजर्वेटिव और इवन
पेस्टिसाइड्स, इवन मॉस्किटो और रिपेलेंट्स हम यूज करते हैं, पेस्ट कंट्रोल कराते हैं, ये सब भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितना फैट, रादर मॉडिफाइड फैट ज्यादा नुकसान करता है। इतना ही नहीं, अगर हम दूध फैट फ्री दूध लेते हैं, टोन्ड डबल टोन्ड या स्किम्ड दूध लेते हैं, पर उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, सिंथेटिक मिल्क मिला हुआ, वो भी आपकी वॉल की नैरोइंग करेंगे, वो दूध फायदा कम करेगा, नुकसान आपको ज्यादा करेगा। और एक और चीज है कि ये जो एक बार ये जो वॉल फूल गई, ये स्वोलन वॉल जो है, ये द्वारा कोई भी ऐसी पैथी नहीं है, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो इसको खत्म कर दे। तो इसलिए प्रिवेंशन ही एक बेस्ट तरीका है। यंग लोग जो 20s में वो सोचते हैं जब प्रॉब्लम होगी तब देखा जाएगा, शुरुआत 20s में होती है और इसका इफेक्ट 50-60 में जाके होता है। एक बार जो वॉल में फैट डिपॉजिट हो गया वो दोबारा किसी भी मेडिसिन से नहीं जा सकता। हाँ, नए ब्लड वेसल्स बन जाए और ये पुराना बॉडी रिजेक्ट कर दे, वो अलग बात। अब कैसे प्रिवेंट करना है इसको, ये चीज ना हो, इसके लिए बताता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक आया तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सके, क्यों आया ऐसे? पहले हाई ब्लड प्रेशर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था हाई ब्लड प्रेशर इंजरी करता है, और इंजरी हुई तो आगे सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। दूसरा स्मोकिंग, स्मोकिंग हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम करती है, फैट को मॉडिफाई करती है। अल्कोहल से स्मोकिंग की तरह फैट को मॉडिफाई करता है। जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं हमारी बॉडी में कई केमिकल्स बनते हैं जिनमें एपिनेफ्रिन भी है, एपिनेफ्रिन हमारी ब्लड वेसल की वॉल को डैमेज करते हैं। इन्फेक्शन इवन जैसे आप COVID-19 से इन्फेक्शन हुआ और बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं, कई इन्फेक्शन होते हैं, वो सब ब्लड वेसल की वॉल को डैमेज करते हैं और ये प्रोसेस आगे शुरू हो जाता है। लो हीमोग्लोबिन, अनहेल्दी जब लाइनिंग होगी दैट इज मोर प्रोन टू इंजरी। हाई बैड कोलेस्ट्रॉल जब यहाँ इकट्ठा हो जाता है, इट मेक साइटोकाइंस दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। और HDL हाई होना बहुत जरूरी है, हमारे लिवर एंटी शेल्स HDL के बनाते हैं, शेल्स जहाँ भी फैट इकट्ठा होता है वहाँ जाते हैं, शेल्स भर जाते हैं, दे टेक इट बैक टू द लिवर, लिवर एक्सक्रीट्स दिस कोलेस्ट्रॉल इन बाइल और हमारी बॉडी से निकल जाता है, शुगर ब्लड में ज्यादा होती है, तो इट लीड्स टू मॉडिफिकेशन ऑफ द फैट। इसलिए डायबिटिक्स दे मोर प्रोन टू नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। जीन्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री है दे नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट इट। देन लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ये सबसे जरूरी है और इतना जरूरी है कि इसके ऊपर पूरी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 ब्लड प्रेशर में कैसे एक्सरसाइज हमारे बीपी को कम करती है उसके ऊपर बात करूँ। अब लाइनिंग डैमेज हुई, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन, लो हीमोग्लोबिन, हाई हीमोसिस्टिन, ये सब जब अंदर हेल्दी नहीं है, हाई बैड कोलेस्ट्रॉल, लो गुड कोलेस्ट्रॉल, फैट इकट्ठा हो गया, स्मोकिंग, अल्कोहल, डायबिटीज, पेस्टिसाइड, पॉल्यूटेंट्स, ये सब मॉडिफाई करते हैं फैट को। और अब कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, सबसे पहले हमें अपना बीपी 120/80 से नीचे रखना है, दिस शुड बी नो स्मोकिंग, मिनिमम अल्कोहल, स्ट्रेस प्रॉपरली मैनेज, इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए आप हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट, एब्सोल्युटली नो जंक फूड जिससे आपका गुड कोलेस्ट्रॉल हाई रहे और बैड कोलेस्ट्रॉल लो रहे, दैट इज कीप शुगर विद इन कंट्रोल, एक्स्ट्रा कॉशियस इफ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, एंड रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, रेगुलर वर्कआउट। अब ये जो सब चीजें हैं दैट्स द हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी, ये बनेगा ये चीज जो होगी, COVID-19 हुआ, इन्फेक्शन हुई, तब भी इंजरी हुई, फैट भी होगा थोड़ा, ये इकट्ठा होगा, ये चीज यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी आएगी, पर यहाँ से लेके यहाँ तक 30 साल में आती है। तो एक वेसल अगर ब्लॉक होता है तो कुदरत ने ऐसा शरीर बनाया कि 10 वेसल्स बन जाते हैं। प्रॉब्लम तब आती है अगर लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 3 महीने लगते हैं, और जब ये ऐसे होता है नए ब्लड वेसल्स उस टाइम बन नहीं सकते और ऑर्गन्स को ब्लड नहीं जाता, यहाँ स्टेंट की जरूरत हो जाती है, ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं और सब प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए सबसे जरूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल, बीपी कंट्रोल, नो स्मोकिंग, मिनिमम अल्कोहल, मैनेज स्ट्रेस,
हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट, नो जंक फूड, शुगर विद इन कंट्रोल और सबसे ज़रूरी रेगुलर फिजिकल वर्कआउट, जिसको मैं अगली वीडियो में पूरी बात करूँगा। अब जब ये ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं, एक स्टेज ऐसी आ जाती, ऐसी स्टेज ना आए इसके लिए मैंने कुछ सिंपल टेस्ट बताए हैं और इसके लिए अलग वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस, थैंक यू।